सीहोर की जावर तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव कजलास में ग्रामीण जनों द्वारा पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया गया। नल जल योजना सुचारू रूप से नहीं शुरू होने पर अपना विरोध जताया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी और पाइप लाइन डलने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके बाद भी ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी ग्रामीण 5 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील में ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते ग्रामीण पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मेरा नाम सूर्यपाल सिंह ठाकुर, युवा समाज सेवी। अच्छा, आज ये टंकी ऊपर चढ़ के आप किस का विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? ग्राम कजलास में विगत 1.5-2 साल पहले नल जल योजना स्वीकृत हुई थी, जो कि 1,07,85,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। लेकिन आज हमारा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पूरे गांव में नल जल योजना के माध्यम से पाइपलाइन बिछा दी गई है। टंकी 1,75,000 लीटर की क्षमता की टंकी बनकर तैयार हो गई है। यह प्रधानमंत्री जी का फोटो, इस पर मुख्यमंत्री जी का फोटो, लेकिन यह टंकी सिर्फ 100 पीस बनी हुई है। इसमें ना तो पानी छोड़ा गया और ना ही गांव में पानी का सप्लाई करी है। एक समरवल पंप भी 30,000 लीटर क्षमता का बनकर तैयार हो गया, लेकिन मेरा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। जहां मुख्यमंत्री जी के सीहोर जिला, जो जावर तहसील के अंतर्गत ग्राम कजलास आता है, यहाँ पर कम से कम 5,000 आबादी का गांव है, लेकिन आज भी मेरा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हमने पिछले साल माननीय तहसीलदार शेखर चौधरी जी को ज्ञापन दिया था, 5 किलोमीटर पैदल यात्रा प्रारंभ करी थी। तपती हुई धूप में, गर्मी की बात है, अप्रैल मई में हमने 5 किलोमीटर की यात्रा पैदल मार्च के माध्यम से तहसीलदार साहब के पास गए थे और हमने कहा था कि पानी की सप्लाई जल्दी जल्दी चालू की जाए। आनन फानन में कुछ दिनों तक तो पानी की सप्लाई चालू कर दी गई है, लेकिन आज वापस से स्थिति यह हो गई है कि गांव में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। आज गांव के लोग मेहनत करें, मजदूरी करें, या 2-2 घंटे 3-3 घंटे पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। नल जल योजना की जब लाखों करोड़ों रुपए की योजना है, आज जमीन स्तर पर पातीला साबित नजर आ रहा। मेरा सीहोर जिले के कलेक्टर महोदय से निवेदन है, अभी 4 या 5 महीने पहले कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने दौरा किया था, लेकिन ठेकेदार इतना लापरवाह इंसान है और इंजीनियर जो हमारे इंजीनियर है, इंजीनियर भी इतने लापरवाह इंसान है कि वह विजिट करने इस क्षेत्र में और इस गांव में आते नहीं है। तो कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि अति शीघ्र हमारे गांव में पानी की समस्या का हल होना चाहिए, निराकरण निकलना चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर जावर से यूडी न्यूज के लिए राय सिंह मालवी की रिपोर्ट।